अस्सलाम वालेकुम, अलायस किचन में खुश आमदीद। अलायस किचन की तरफ से आप सबको बकराईद बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो। और आज हम बकराईद स्पेशल में लेके आए हैं सीप कबाब रेसिपी। बहुत ही आसान है, थोड़े से डिफरेंट स्टाइल से ये बनेंगे क्योंकि हम करने जा रहे हैं कबाब को फ्राई। हम इन्हें कोयले पे नहीं बनाएंगे, हम इसे फ्राई करेंगे और ये बेहद टेस्टी बनने वाले हैं। तो रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने ये अराउंड 1.5 केजी कीमा लिया है। ये बीफ का कीमा है और इसमें चर्बी है। चर्बी कबाब में लाजमी आपने बनाते वक्त ऐड करनी है क्योंकि इससे कबाब बहुत जूसी बनते हैं। अब मैंने इसमें ये प्याज चॉप किए हुए डाल दिए हैं और प्याज का मैंने पानी अच्छे से निचोड़ लिया था। और अब इसमें मैंने अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट आपने डाला है। ये मेरा फ्रोज़न है तो आप फ्रेश भी ले सकते हैं। और साथ ही मैंने फ्रेश कोरिएंडर इसमें चॉप करके डाल दिए। और ये लहसुन का पेस्ट, जितनी आप क्वांटिटी ले रहे हैं आप उस हिसाब से ये चीज़ें सब सेट कर लीजिएगा। और ये लहसुन का पेस्ट आप ऐड कर दें। और ये अब स्पाइसेस में सबसे पहले सूखा धनिया, ये क्रश फॉर्म में है। और ये ऑल स्पाइसेस मिक्स मसाला, गरम मसाला जो होता है वो इसमें मैंने ऐड कर दिया है। अब ये काली मिर्च और ज़ीरा है, ये भी क्रश्ड फॉर्म में है। कुटे हुए मसालों का बहुत अच्छा, एक तो उसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है और दूसरा टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। और ये इसमें हम सॉल्ट ऐड टू टेस्ट है, स्पाइसी सब ऐड टू टेस्ट है। और ये है हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर दिया। और ये सुर्ख मिर्च पाउडर है। और ये अब क्रश, अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है आप इससे ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। ये कुटी हुई लाल मिर्च मैं ऐड कर रही हूँ। बेफिक्र हो के बीफ कबाब बनाएं, ये ना सोचें कि हज़म नहीं होंगे, क्योंकि इस रेसिपी में मैं आपके लिए एक सरप्राइज़ चटनी लेके आई हूँ। वो मैं आपको एंड तक वीडियो लाजमी देखिएगा, वो मैं बनाऊँगी और इससे आपको सारी चीज़ें बहुत जल्दी से हज़म भी होने वाली हैं, तो कोई स्टमक अपसेट नहीं होने वाला। तो अब इसे सारी चीज़ों को मिक्स कर लें। ये मोटा है कीमा, तो ये चपली कबाब तो बन जाएंगे। चपली कबाब की रेसिपी मैं आपको दे चुकी हूँ, आई बटन में दे दूँगी। लेकिन जो सीख कबाब होते हैं वो इससे नहीं बनेंगे, तो मैं चॉप कर रही हूँ, जैसे ये आपको दिखा रही हूँ मैं। तो ये चॉप हो चुका है ताकि फिर ये सीख, मतलब जिस पे भी आप, मैं आपको यहाँ पे इजी वे बता रही हूँ, सीखे हैं आपके पास वो ले लें, कोई नहीं है तो स्पून ले लें, कोई भी ऐसी चीज़ जो पीछे से थोड़ी सी राउंड और लंबी हो तो आपने वो ले लेनी है। अब ये मैं आपको दिखाती हूँ, कोई भी इस तरह का ये रॉड टाइप चीज़ ले लें, अगर सीख है आपके पास वो भी ले लें। और थोड़ा सा पानी आपने लगाना है हाथों पे। और कीमा उठाएं, ये चॉप हुआ हुआ कीमा है, दोबारा चॉपर में मैंने गुजारा है, ठीक है। अब इसे अच्छे से आपने, इसमें मसला ये हमने फ्राई करने हैं तो इसमें थोड़ा सा होल आ जाएगा, तो इससे क्या होगा कि जब हम फ्राई करेंगे तो अंदर तक ये अच्छे से कुक हो जाएगा। ये देखें, अभी मैं आपको दिखाने लगी हूँ, ये अंदर से भी कुक होगा अच्छे से। ये भी सारे मैं बना लूँ, ये मैंने बनाए हैं, तो अब हम इसे 1 by 1 फ्राई कर लेंगे। बहुत टेस्टी होते हैं, आप इसकी जगह स्पून भी ले सकते हैं, कोई भी सीख है आप वो भी पकड़ सकते हैं। ये सब फ्राई हो लें तो ये जब तक होते हैं हम चटनी की तरफ चलते हैं। ये मैंने 1/2 आवर से इमली को भिगो के रखा हुआ था, ठीक है। तो अब मैं इसका पल्प सेपरेट कर लूँगी, इसकी जो अंदर सीड्स हैं वो सेपरेट कर लूँगी, ठीक है। ये मैं अभी सारा कुछ ये निकालने लगी हूँ, तो फिर मैं निकाल लूँ तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। नहीं जी, ये मैंने सेपरेट कर लिया है। अब मैं ब्लेंडर में इसका पल्प और जिस पानी में मैंने इसे भिगोया हुआ था वो इसमें ही ऐड कर दें, ठीक है। और ये अब इसे अच्छे से करेंगे ब्लेंड ताकि ये पल्प जो है सही से एक स्मूथ सा पेस्ट सा बन जाए। बहुत
बहुत अच्छे से इसे ब्लेंड करना है। अब कोई भी आप पैन लें, उसमें ये जो हमने ग्राइंड किया, देखें आपने कितने अच्छे से मैंने ब्लेंड किया हुआ है। तो ये अब ये हरी चटनी है, इसकी रेसिपी भी मैं आपको दे चुकी हूँ, आई बटन में लिंक दे दूँगी। ये आपने एक टुकड़ी इसमें ऐड कर देनी है। इसमें क्या है, पुदीना है, हरा धनिया है, कुछ स्पाइसेस हैं और ग्रीन चिलीज हैं, ठीक है। आप फ्रेश भी इसमें कूट के डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन ये है कि मेरे पास बनी हुई थी तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये अब इसमें थोड़ा सॉल्ट ऐड कर रही हूँ मैं, ऐड टू टेस्ट है, और 3 टीस्पून मैंने इसमें चीनी के ऐड किए हैं क्योंकि खट्टी ज़्यादा। ये ज़ीरा पाउडर है, अकेला ज़ीरा क्रश फॉर्म में मैंने हाथ से इसे कूटा था और इसमें मैंने डाल दिया था। और अब मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ, अगर आपने आपको थिक पसंद है तो वैसे ही आप इसे, क्योंकि इसे बॉयल्स आने हैं अभी तो और थिक होएगी, तो मैंने इसमें थोड़ा सा ही पानी डाला है। तो अब बॉयल्स आने लग जाएंगे तो ये थिक होना शुरू हो जाएगी। बहुत मज़े की खट्टी मीठी सी चटनी बनती है। आप बीफ कबाब ले रहे हैं, मटन, जो भी, बकरा ईद पे जो स्टमक अपसेट हो जाते हैं वो नहीं होंगे। इस तरह की कोई चटनी बना के रख लें और यकीन करें आपको एक तो टेस्टी भी लगती हैं और दूसरा आपका स्टमक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला आपको। अब तो ये बॉयल्स आना शुरू हो जाएं तो ये बस डन है, क्योंकि इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स हम ऐड कर चुके हैं, ठीक है। ये देखें, ये पकना स्टार्ट हो गई है। अब मैं इसे साइड पे कर दूंगी। ये देखें जी, ये बिल्कुल रेडी हो गई है। इसकी कंसिस्टेंसी आपने चेक कर ली। अब मैं इसे बाउल में डाल लेती हूँ। जिनको ज़्यादा थिक पसंद है वो इससे थिक भी कर सकते हैं और ज़्यादा, लेकिन ये ज़्यादा अच्छी लगती है। खट्टी मीठी सी चटनी है और ये हमारे कबाब बिल्कुल रेडी हैं। लें जी हमारी मज़ेदार खट्टी मीठी चटनी, इमली की, और साथ में ये सीख कबाब जो कि फ्राइड हैं बहुत झटपट से, बिल्कुल रेडी हैं। देख रहे हैं आप, बहुत टेस्टी भी हैं और इसमें हमने चर्बी ऐड की थी तो ये जूसी और सॉफ्ट भी बने हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।